Okay, so dear students, today we are on exercise 2.7, which is basically on the division part of fraction chapter. Okay, and remember, for this particular chapter, you have to remember one thing, that you need table, knowledge of table, as well as knowledge of putting decimal, both the things. Okay, so ये दोनों चीजें इसमें required है बेटा. बेटा आपको table भी आनी चाहिए clearly. एंड दूसरी चीज, आपको डेसिमल कहाँ पुट करना है ये भी याद रखना है. ठीक है, एक चीज याद रखिएगा बेटा, व्हाइल डूइंग डिवीजन, एक बार में केवल एक ही नंबर ऊपर से नीचे आता है. ये चीज सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट है. एक बार में हम डिवीजन में केवल एक ही नंबर को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं. ठीक है, केवल शुरुआत में ही आप एक साथ कितने भी नंबर ले सकते हो, सबसे पहले स्टेप में. ओनली सबसे पहले स्टेप में हम एक पहले ही बार में कितने भी नंबर ले सकते हैं, बट उसके बाद अगर हमें, हम बीच वाले स्टेप में, तो एक बार में बेटा केवल एक ही रिजल्ट ऊपर से नीचे उतरता है. ठीक है, अगर आपको एक से ज्यादा रिजल्ट चाहिए हैं, तो यू आर यूजिंग द नंबर जीरो इन बिटवीन द नंबर्स, व्हिच आई विल टेल यू द प्रोसेस. ठीक है, चलो लेट अस टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर. दिस वन, क्वेश्चन नंबर वन. First one is a simple question, 0.4 divided by 2. It is, I can tell you, this is the most easy question from this one. But I have just started with this. Now you also do it along with me. आप भी मेरे साथ करिए. सबसे पहला बेटा लिखा 0.4. So this is, you are knowing this is a dividend. So हमने इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखा 0.4. Now you are dividing it by 2. So 2 यहाँ पर हो गया divisor. ठीक है, सबसे पहले you are knowing, you will deal with this 0. ठीक है, and you are knowing 2 zeros are 0 comes. So 0 आ गया, ये 0 गया, subtract हुआ, यहाँ आ गया cross. अब next step में नीचे उतरा decimal. And remember बेटा, जिस step में decimal नीचे आता है, उसी step में हम उसको ऊपर भी लगाते हैं. ऊपर मतलब हमारे क्वेश्चन. सी, इन दिस स्टेप ओनली द डेसिमल केम डाउन, सो आई विल आल्सो पुट योर डेसिमल राइट नाउ. ये भी पुट हो गया. अब उसके बाद नाउ उतरेगा कौन हमारे साथ, नंबर 4. नंबर 4 व्हिच वाज द लास्ट डिजिट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ यू आर नोइंग इन टेबल ऑफ 2 यू गेट 4 इन 2 टाइम्स ओनली. सो जस्ट 2, एंड दिस इज 2 2 इज 4, एंड दिस कैंसिलड, एंड यू हैव गॉट द आंसर 0.2 is the answer of this particular question. Okay, so I gave you this question right now. If you remember, 0.35 divided by only 5. ठीक है, remember बेटा, हम लोग जो भी questions अभी कर रहे हैं, they are all questions where the divisor is a normal number. Normal number जिनकी table आप easily पढ़ सकते हो, और जिसकी टेबल आप इजीली पढ़ सकते हो, उनसे आप इजीली डिवाइड भी कर सकते हो. सो दैट इज व्हाई वी आर डिवाइडिंग वेरी इजीली. ठीक है, बट जब अभी नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, देन दैट टाइम आई विल टेल यू. सो रिमेंबर, अभी वी आर डूइंग द क्वेश्चन व्हिच इज वेरी वेरी नॉर्मल क्वेश्चन. सो नाउ 0.35 आई विल राइट इट डाउन एज अ डिविडेंड. नाउ डिवाइडेड बाय 5 इज अ डिवाइजर ओवर हियर. ठीक है, नाउ लुक एट हियर, यू आर नोइंग इट्स 0, तो 5 जीरोस आर 0, यहाँ पे कैंसिल हो गया. नाउ डेसिमल केम डाउन, नाउ डेसिमल केम डाउन नीचे आया, तो बेटा डेसिमल ऊपर भी गया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग ओनली, कि एक बार में केवल एक ही नंबर आप नीचे ला सकते हो. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिविजन, हमेशा एक स्टेप में एक ही नंबर आता, तो यहाँ पे केवल 3 ही आएगा. ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 5 के टेबल में 3 आता ही नहीं है, बिकॉज 5 जो है वो 3 से बड़ा नंबर है. सो यू कैन नॉट टेक 3 इन द टेबल ऑफ 5. सो व्हाट यू वांट अनदर नंबर आल्सो टू बी डाउन, आपको दूसरा नंबर भी चाहिए अब एक साथ एक ही समय पे. सो हमको अगर एक साथ एक ही नंबर, एक ही टाइम पे दूसरा नंबर भी चाहिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. ऊपर एक नंबर दे दो 0, और दूसरे उसी स्टेप में 5 को भी नीचे उतार. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू वॉन्ट एट अ टाइम टू नंबर्स टू बी कमिंग डाउन, सो रिमेंबर यू जस्ट गिव दैट मच 0. जितने नंबर आपको एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती है, आप उतने 0 यहाँ पर देते जाओ, और यहाँ पर उतने नंबर आप नीचे लिखते जाओ.
ठीक है, सो यहाँ पर आपने जीरो दिया, 35 आ गया आप नीचे. और नाउ यू आर नोइंग 5 7 35 होता है. नाउ यू हैव रिटन इट एंड द आंसर इज 0.07. ओके, सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम द सेम क्वेश्चन ओनली व्हिच वी वर डूइंग इट अर्लियर. एंड द क्वेश्चन वाज 2.48 divided by 4. Now what we are going to do, this 2.48 will come inside the divide sign. ठीक है, it is a dividend right now and divisor is 4, so 4 will come out from the question now. Now you all are knowing beta कि 4 की टेबल में 2 नहीं आता है. एंड 4 की टेबल में जब 2 नहीं आता है तो इट मींस यू आर डूइंग इट डिवीजन नाउ. सो सबसे पहले क्या करेंगे, यू आर नोइंग 4 जीरोस आर 0. सो यहां पर आ गया हमारे पास 2. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने 24 क्यों नहीं ले लिया. ठीक है, मैम ने एक साथ 24 क्यों नहीं ले लिया. बेटा रिमेंबर, हम यहाँ पर जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके हिसाब से 2 मेरा होल नंबर है. अगर यहाँ पर 24 लिखा होता और 24.8 होता तो हमने 6 ले लिया होता, डायरेक्ट 24 को एक साथ ले लिया होता. बट रिमेम्बर, अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 2 डेसिमल के पहले है एंड 4 डेसिमल के बाद है, तो हम इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते एक ही स्टेप में. ठीक है, सो दैट इज वाई आई एम नॉट टेकिंग इट टूगेदर 6. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग इट पहले 2, देन हम बाद में सॉल्व करेंगे आगे. ठीक है, सो हमने 0 लिया, 4 0s are 0, 2 आ गया मेरे पास यहाँ पे. अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल यहाँ भी लगेगा एंड नंबर इज 4. सो नंबर एक स्टेप में एक ही डिजिट उतरता है, तो हमने केवल 4 को उतारा. नाउ रिमेम्बर बेटा, डेसिमल लगा जरूर है बट यू डोंट एज्यूम दैट यू हैव अ डेसिमल. ठीक है, आपके पास डेसिमल है जरूर बट अपने दिमाग में मत रखो कि बीच में डेसिमल लगा है. So now this is 4, this is 24 and you are knowing 4 ki table mein 24 comes in 6 times. So 4, 6 are 24. Now subtract kar diya aapne, ye pura ka pura cancel ho gaya. And now you have a next number that is 8. Theek hai? And you are knowing in the table of 4 comes 2 times 8 and now this is completely divisible and the answer for this particular question was 0.62. So, dear students, these are next 2 questions, 4th and 5th. Rest others, you will do it by your own. So, let us try question number 4 and 5 right now. सबसे पहले question number 4 देखते हैं. I have written it in the form of dividend and divisor. So, dividend and divisor मैंने लिख दिया. Now, look at here. 6 and यहाँ पर भी 6. तो सबसे पहले तो 6 ones are 6 will go and it will get cancelled. ठीक है? क्योंकि one time it will go. Now next number will come down, that is 5. And you are knowing कि 6 के टेबल में 5 आता ही नहीं है. ठीक है, because 5 is smaller than 6. So you can write it down, 6 zeros are 0. ठीक है, ये ले लिया आपने और यहाँ पर उतरा आपके पास 5. And now you are getting the decimal in the next place. जिस place में decimal नीचे आता है बेटा, same उसी place में decimal ऊपर भी जाता है. So I've written the decimal up. And now you are getting the next number down, that you have is 4. So now you have 5.4, that is 54. ठीक है, अगर हम decimal को अपने मन में assume ना करें, so we have a number that is 54. And you are knowing in the table of 6, you have 54 9 times. 6 9s are 54. So you have written here 54 and now it got cancelled and you have got the answer, that is 10.9. 10.9 will be the answer for question number 1st ka 4th. ठीक है? Now let's move on to the next question which is also written on the board. That is 651.2 divided by 4. So let's see this question. Same process, same method again. Now look at your 4 and 6. सबसे पहले single single लिया. 4 ones are होता है 4. आपने divide किया, you will get it only here 2. And this will come down, that is 25 in the next step. ठीक है? And 4 की table में everybody knows 4, 6 जा 24. तो ये हो गया 24. ये भी चला गया. 5 में से 4 गया, बचा 1.
अब एक नेक्स्ट नंबर नीचे आया, दैट इज 11 एंड दैट इज अगेन करेक्ट, यू आर डूइंग इट, है ना। 4 के टेबल में 4 टू 8 आता है, सो आपने ये सॉल्व किया, यहाँ पर बचा 3। अब इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर गेटिंग द डेसिमल, नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है डेसिमल, क्योंकि 1 के बाद डेसिमल है, तो लास्ट स्टेप में आ रहा है डेसिमल, तो डेसिमल बेटा जिस स्टेप में नीचे आता है द डेसिमल कम अप आल्सो इन द सेम प्रोसेस होगी, है ना। सो हमने डेसिमल को ऊपर भी लगा लिया और नीचे भी ले लिया। नाउ यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर, दैट इज ओनली 2, सो द नंबर इज 3.2 and 3.2 means 4 8s are 32, because 3.2 means you are writing, you are talking about 32, so it will give you 3.2. so if this is completed now and the answer for this particular question is coming 162.8. now students, if you remember abhi tak humne jo bhi padha that was divided by a number, theek hai, matlab hum jitne bhi abhi question kiye उन सभी पर आपने देखा कि नंबर जो था यहाँ पर था 561.3 डिवाइडेड बाय, या तो 5 था या डिवाइडेड बाय 6 था या डिवाइडेड बाय 2 हो सकता है, डिवाइडेड बाय 4 हो सकता है। नाउ यू आर नोइंग दीज आर दी नंबर जिनकी टेबल आप बड़ी इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइडेड बाय में जो नंबर है व्हाट एवर द डिवाइजर वॉज गिवन इन द क्वेश्चन ऑल वर द नॉर्मल नंबर्स विच यू कैन रीड द टेबल वेरी इजीली, ठीक है। सो डिवीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेबल जानना, और अगर आपको टेबल पढ़ते इजीली आता है इट मींस यू कैन डू इट डिवाइड वेरी इजीली। सो ये प्रोसेस तो बेटा आपको इजीली बन गई। नाउ रिमेम्बर, अगर इस पूरी प्रोसेस में मैं अगर डिवाइजर को हटा दूं और यहाँ पर कर दूं 10, यहाँ पे कर दूं 100, यहाँ पे कर दूं 1000, यहाँ पर भी कर दूं अगर 100 या 1000 कुछ भी, सो ये क्वेश्चन एक सिमिलर पैटर्न का हो गया बेटा। सिमिलर पैटर्न क्या, यहाँ पर हो गए डेसिमल नंबर्स डिवाइडेड बाय 10, इधर 100 और 1000, और दीज आर कॉल्ड स्पेशल नंबर्स। इन नंबर को क्या बोला जाता है बेटा, स्पेशल नंबर्स कहा जाता है, बिकॉज ये नंबर 1 अलोंग विद मल्टीपल जीरोस, ठीक है, 1 अलोंग विद मल्टीपल जीरो, सो इट द प्रोसेस बिकम्स मोर इजी जब आप इस वाली प्रोसेस को अप्लाई करते हो, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको सिंपल एंड सिंपल यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल। Like आपने देखा होगा मैंने मल्टीप्लाई में आपको पढ़ाया था कि जब हम मल्टीप्लाई में इस फॉर्म में नंबर्स को लेते हैं तो डेसिमल जो होता है वो शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड। क्यों राइट हैंड साइड होता है डेसिमल शिफ्ट बेटा, बिकॉज रिमेम्बर मल्टीप्लाई इज द प्रोसेस वेयर द नंबर गेट लार्जर। लाइक 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट द नंबर 4 × 3 दैट विल गिव यू 12। इट मीन जब भी हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों नंबर अगर होल नंबर है तो आपको जो नेक्स्ट नंबर मिलता है वो इन दोनों से ही बड़ा नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास नेक्स्ट वन, तो वैसे ही लेकिन अगर हम जब डिवाइड की बात करें और डिवाइड में जब हम लेते हैं नंबर बेटा, तो नंबर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर मिलता है छोटा ना कि बड़ा। डिवाइड नंबर को छोटा कर देता है जबकि मल्टीप्लाई नंबर को बड़ा कर देता है। तो बेटा बड़ा होना मतलब बड़ा प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस, एंड रिमेम्बर बड़ा होना मतलब नंबर लाइन में किस तरफ जाना, राइट साइड या लेफ्ट साइड, यू ओनली टेल मी इन नंबर लाइन। राइट साइड, राइट साइड जाना, राइट साइड, यस एब्सोल्युटली। सो रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट, इन मल्टीप्लाई यू गो टू द राइट साइड, ठीक है। बट जब हम यही प्रोसेस डिविजन के साथ करते हैं तो वही फिर से दोबारा वही काम होता है, डेसिमल शिफ्ट होता है, लेकिन डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट क्यों होता है, क्योंकि डिवाइड में क्या हो जाता है बेटा, नंबर्स जो होते हैं वो और छोटे हो जाते हैं, और डिवाइड का मतलब होता है छोटा होना, और छोटा होना मतलब और पीछे जाना, ठीक है, छोटा होना मतलब और पीछे जाना, पीछे जाना मतलब कि लेफ्ट में जाना ना कि राइट में, क्योंकि राइट साइड जो है वो नंबर लाइन में ग्रेटर के लिए होती है एंड लेफ्ट साइड जो होती है वो स्मॉलर के लिए होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, how will you do? So I'm taking a normal question first. See this, 561 divided by 3, sorry, 561.3 divided by 10. Now what you have to do beta, just simply you have to shift the decimal. Kitni baar shift karna hai? You have to see kitne zero hai 1 ke saath. Now in this question you have only 1 0 along with 1. So, क्या करेंगे हमारे पास डेसिमल शिफ्ट होगा। याद रखिए दो चीज,
कितने टाइम्स ट्रेसेबल शिफ्ट होगा पहली चीज, एंड दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है. लेफ्ट में क्यों? बिकॉज यू आर डूइंग डिविजन. सो यहाँ पर आपके पास डेसिमल इधर था, एक शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ गया. सो आंसर बन गया 56.13. फिनिश्ड. लेफ्ट. नाउ आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन. अपने मन से सॉल्व करिए और सोचिए, बताइए जरा आंसर क्या आएगा. सोचिए and think and tell me what do you think the answer could be in this question. Yes students, very correct. You can see you people have written the answer in the chat box. I read it right now. Yahan par 1 ke sath kitne zero hai beta? 2 zeros hai. To direct aap shift kar sakte ho. Kitni places shift hoga is bar? 2 places shift hoga. Kidhar shift hoga? Left mein shift hoga. So one place idhar and second place idhar. So the answer will become 2.285. So the answer will be 2.285. That will be the final answer for this. Now let us give you one more question. Suppose question is 3 divided by 1000. अब इस question को try करो. यहाँ तो decimal है ही नहीं. अब try करिए जरा, बताइए क्या आएगा. Yes. If any number is not having decimal, it means you will assume that decimal is here after 3. ठीक है. सो जब आप शिफ्ट करोगे इसको 3 places, तो जब decimal यहाँ पर है तो 3 places shift होगा, तो answer will become 0.003. 3 places के पहले. You will give it 0 and you can do it. So अब आप मुझे खुद से बताइए बेटा, just using the